इससे गला ही नहीं होगा ना फिर एक्चुअली इसको गलाने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती जा है जी मंडेयाली में गलाना हो ना से दया बाबा मैं ओ तेरी बस गल्ले पे चोरी रख के शादी की है इसने ताही मा चली लव मैरिज है जी नहीं और सारे जवाब तुम्हें देने के हो खद भी होने बोल बोल लव मेरे कहाँ मिले आप लोग चंडीगढ़ अब मिले तो जैसे instagram पे tiktok पे वैसे बेसिकली अच्छा तो थोड़ी सी मडियाली बोलेंगे कितनी मिले तुम्हारी कितनी मिले तुम्हारी तो तो? आपसे मिले थे tiktok पर हैं हाँ। वैसे तो मिले फिर इलांटे में चंडीगढ़ एक मिनट एजे ने रैप गाया थोड़ी देर पहले तू तो सुन ना? बे tiktok ता चलो हुई ग्रा बैन हजे भी हां हूं इन रैप हैं तुहारा फैले नहीं क्या पता हाँ हाँ सही कह रहे हैं समर्थन हाँ हाँ एक अलग ही हाई दिख रहा है अभी हमारे को ऑडियंस तो भी बोल रही हैं सुखे हुई है एकदम कुछ नहीं रहा है एक्टिंग करके ना एड़ा कुछ एड़ा कोई खौफ नहीं है क्यों चू बस तो इतना भी मत करो दस साल फिर कितनी मिल रहे तो हुआ ऐसे कि इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी बुक बड़मली वाली ठीक है वो देखी थी मैंने फिर मुझे पता नहीं था कि नाम क्या है कैसे क्योंकि कुछ लोगों वगैरह भी नहीं होता था ना बस वीडियो वायरल हुई थी आगे से आगे तो मैंने वही उनमें से थोड़े से जब उनके डायलॉग थे बुबड़ वाली वैसे यूट्यूब पर डाल के सर्च किया कि है कौन तो वैसे वैसे करके इनका पेज निकला यूट्यूब पे अच्छा हाई राय करके फिर मुझे लगा कि यही होगा शायद फिर वैसे वैसे करके पता नहीं कैसे इंस्टा पे पहुँच गई मैं कि इंस्टा पे भी है ये फिर उस दिन जब मैंने पहले दिन को देखा था ना तो मैंने सारी वीडियो देखती थी एक ही दिन में <laughs> फिर पता नहीं कैसे कैसे चार में कुछ छेड़ा था ना क्या है चलो अपने मुंह वाले अपनी तारीफ नहीं होने ना। <laughs> हो गया मैं बोलू आ, बोल बोल। फिर उसके बाद इंस्टा पे मिले तो मैंने उनको फॉलो कर दिया फिर मैंने जैसे स्टोरी पर चार मुंह दस मैं चार और की ये बात जी हटिन सकती मुट्ठी को वापस अभी आगे बोलूंगी ना फिर इन्होंने मुझे फॉलो बैक कर दिया मुझे नहीं पता था कि इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है मेरा अकाउंट था प्राइवेट तो मुझे नहीं पता था कि इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने मैसेज किया कि देखा जी ऐसे रिक्वेस्ट भेज रही एक्सेप्ट करनी होंगी तो कर ही लिया मैंने चक्किया मन के कहां भेजी नहीं अच्छा हाँ, मैंने वो बनाई बनाई थी थी मेरी ऑडियो यूज़ तो करके, करके इसने डबिंग तो मैं उस चीज की से चल भी इसने इसकी भी देखी है अच्छा ये भी बनाती है वीडियो तो मैंने इसको फॉलो कर रिक्वेस्ट भेजी और मैसेज भेज दिया कि भेजी है देख लेना करनी होगी साइड तो कर लेना नहीं तो रहने एटीट्यूड नहीं मतलब वही

चीन दी में गिलान हो ते भी दोरा गलाती है चलो तो थोड़ा सा गला लो गला लो यार जितना गलाए होता है फिर तुम्हें कर रहे हैं बीएड फेरी? हाँ, बीएड कर रहा थी मैं चंडीगढ़ क्या हुआ कि एक दिन मैं गई थी लंटे उसी दिन ये भी गए थे से मैं। तो ये गे, मैं गई थी दिन, मैं दिनों गई तो थी तो हाँ मैं दिनों गई थी ये गए थे संजय टाइम तो जिस फिर इनका मैसेज आया कि मैंने करी थी फोटो डाली थी मैंने तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप भी आए हो होते मिलते हैं मैंने कहा अब तो मैं घर आ गई मैं दिन में गई थी अभी नहीं हूं फिर बोलते अच्छा चंडीगढ़ हो तो मिलते हैं मैंने सोचा शिट अब मैं कैसे ना करू ना, ना करती हूँ फिर मैंने कहा चलो ठीक है मिलते हैं फिर उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जल से वीडियो बना के आता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे से फिर मैंने बताया कि इस एस में मैं रहती हूँ फिर ये बोलते चलो मैं लेने आता हूँ आपको फिर ये लेने आए थे फिर मूवी नहीं 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 तो देखेंगे फिर मैंने पीजी में पता नहीं झूठ बोला था कि मैं कहीं जा रही हूँ या वट एवर फिर मूवी देखी फिर वैसे ही मूवीज के लिए मिलते रहे ऐसे ही मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे और फिर प्यार हो गई प्यार

ध्यान रखिए अगर आप भी पहली बार किसी अनजान लड़के से मिलने जाते हैं तो एक बैकअप प्लान जरूर रखें थैंक मतलब इंटरेस्ट क्या एकदम पोस्ट सामने मतलब ऐसे वो नहीं खोलती आई डी नहीं खोलनी थी होंगी ये ऐसी आई पोस्ट इंस्टाग्राम खोला इसकी पोस्ट आई सबसे ऊपर अलंटे में खड़ी है तो जाते भी, अच्छा, ही है तो सामने। तो 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 इतना अच्छा है सामने मैंने मैसेज कर दिया टाइम 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 नहीं 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 उस उस थी थी ब्रेक लगी थी, ब्रेक लगी चली <laughs> हुई तो मैं तो पर्टिकुलर हुआ मैं पर्टिकुलर जब विद समझ रहे हैं कि प्रपोज किसने किया बता दे भैया किसी का मतलब परेशान करना तो मेरे को ऐसा नहीं पता कि घर में बता दे भी। फिर उसका दे इतना जल्दी हो जाएगा सिस्टम <laughs> मैं तो इसलिए बोलता कि बता दे ताकि वो नहीं ढूंढे तो वो इसने बता दिया कि ऐसा है जी तो <laughs> मेरे घर आने भी तीनों भी चाव लगे कर ब्याह कर तो मेरा तीन भी ना आओ देख ना ताओ आया अपना चाओ <laughs> 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 तो, तू तो तो खुश नहीं है तुम्हें खुश हूं मैं मैं बहुत खुश हूं हुँ, मैं मेरा चाय रन जी करता है अच्छा <laughs> मतलब ऐसा था कि मेरे को इतना जल्दी एक्सपेक्टेड नहीं तो मैंने इसको बताया कि मेरा ऐसा प्लान था जिंदगी में घर वालों के लिए हो रहा था मैं ओवर एज की तेरा इतने साल हुई उम्र मेरे कजन की भी शादी होगी थी तो उनके लिए पर मेरा मेरा जो पर्सनल प्लान था जो मैंने इसको भी बताया कि मेरा ऐसा प्लान था कि मेरे को एज का नहीं था कि मेरी तीस का हो रहा हूँ मैं कि कितने का हो रहा हूँ उनतीस साल में थी मतलब मेरी शादी तो मेरे को ऐसा था कि तेतीस का भी कर लूंगा मैं पैंतीस में भी कर लूंगा चालीस में भी कर लूंगा यार पर मैं तब करना चाहता था शादी जब ऐसा हो कि मतलब अपने पार्टनर को जो जो वो 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 बोले वो बोले टाइम खरीद सकू मुझे सोचना है वो दस बार यार अगर मैंने ये ले लिया तो भाई बजट ही जाना कि कुछ हो जाना मेरी शुरू से थिंकिंग थी फाइनेंशियल हाँ, इंडिपेंड मेरे मैं तो नौकरी लगने से पहले दो साल पहले होगी थी मेरे कजन की शादी डेढ़ दो साल पहले तो उस टाइम बड़े कजन तीन महीने बड़ा है वैसे बराबर के हम पर उसकी मेरे से तो, वो, नौकरी लगने से भी एक डेढ़ साल पहले शादी तो उस टाइम हो गए थे घर वाले कोई तो कर ले अभी नौकरी नहीं करता क्या तो कजन तो, का सिकंदर तो सिकंदर शर्मा तो फिर मैंने बोला नौकरी नहीं करता कुछ नहीं करता भाई वीडियोस बनाता बना तो मैं क्या कर करूं शादी कोई को पाली लेनी है ऐसा देख लेना मतलब क्या पाली लेनी सा मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेरी हुई वो कोई चीज़ एक बीस रुपए की चीज़ लेनी मम्मी दे ला बी रुपए मैं कुछ लेना इतना तो फिर मेरा ये था प्लान कि मैं तब करूँगा पर वो चलो जो भी होता लिखा हुआ बोलो ये चाहे जैसे मर्जी बोलो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो चलो ठीक है फिर वी वेंट विद द फ्लो हिमाचली पॉडकास्ट